brain with respect to man. इधर देखो बच्चों, तो अपन ने क्या लिखा था, वी आर माइनस वी एम, फिर अपन क्या करते थे, जी जी लगा लेते थे। आपको एक लाइन लगानी है बस, ये वाली है ना। अब ये देख लेना कि पार्टिकल कौन है, और फ्रेम एक एस है ना, जो कि मूविंग फ्रेम माना अपन ने। एक एस डैश क्या माना था अपन ने, ग्राउंड। इसी से सारे सवाल किए थे ना, और तो कुछ किया नहीं था। अगर मान लो मैन फील्स दैट, इसका मतलब क्या दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। और अगर मान लो बारिश हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और मूविंग मैन जो है वो तो हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही है। नहीं समझे, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। हाँ, देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट रो लिखो। लिखो फर्स्ट लॉ, लिखो, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। सिंपल सी बात है, जानते हो शुरू से ही, बचपन से नहीं, ये तो बचपन से जानते हो ना। अब एक टर्म होती है इनर्शिया, क्या होता है इनर्शिया, क्या करता है, अपोज करता है ट्रांसलेटरी मोशन का। तो मास क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखो, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। जड़त्व, द्रव्यमान ही जड़त्व का माप है, द्रव्यमान ही जड़त्व का माप है। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। दिस लॉ इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। किसको बोलते हैं, है ना। इफ मास इज ज्यादा है तो लिखो अपोजिशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अपोजिशन ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है। बॉडी अपने रेस्ट में आने में या उसको उसमें आने में अपोज ज्यादा करेगी। अगर मास ज्यादा है तो अपोज ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इट इज क्वालिटेटिव लॉ नॉट क्वांटिटेटिव। इट इज क्वालिटेटिव लॉ नॉट क्वांटिटेटिव। इट इज क्वालिटेटिव लॉ नॉट क्वांटिटेटिव। यह गुणात्मक नियम है, मात्रात्मक नहीं, मात्रात्मक नहीं। मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि जरूरी है, लेकिन कितना फोर्स जरूरी है वो फर्स्ट लॉ नहीं बताता। लिखो, बाय फर्स्ट लॉ वी नो टू प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, बाय फर्स्ट लॉ वी नो टू प्रोड्यूस एक्सीलरेशन फोर्स इज रिक्वायर्ड। पहले नियम से त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल आवश्यक है, त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल आवश्यक है। बट दिस लॉ डज नॉट टेल अस, बट दिस लॉ डज नॉट टेल अस
how much force is required? How much force is required? लेकिन ये नियम ये नहीं बताता त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना फोर्स चाहिए. This law does not tell us how much force is required to produce acceleration. How much force is required to produce acceleration? समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको? एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे आप ट्रेन है, बस है, घोड़ा है, गधा है ना, जैसे कोई गधे में भी बैठ सकता, समझ गया है? हॉर्स, तो उसकी जैसे है ना, तो उसकी बॉडी जो आगे पीछे होती है वो ड्यू टू किसकी वजह से होती है? इनर्शिया. क्योंकि बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया इज वेरी वैलिड लॉ. साइंटिस्ट क्या है, जब स्यूडो भाई कितने से पीछे जाएगा, कितने एक्सीलरेशन से पीछे जाएगा और उसको पीछे भेजने के लिए जिम्मेदार कौन होगा, तो स्यूडो फोर्स था. लेकिन स्यूडो फोर्स की कोई वैलिडिटी नहीं थी. अब इतना बड़ा साइंटिस्ट फेल हो रहा है, कौन? न्यूटन. तो उसको सक्सेस कराने के लिए उन्होंने एक इमेजिनरी फोर्स बनाया, उसको बोला स्यूडो फोर्स है. और स्यूडो फोर्स की वजह से अगर स्यूडो फोर्स एक्ट करता है इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. कोई भी फ्रेम अगर एक्सीलरेट होता है या रिटार्डेशन में है ना, तो दिस फ्रेम इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो उसमें स्यूडो इनको लगाना पड़ा, अदरवाइज सारे आंसर, सारी कैलकुलेशन सब बेकार हो रही थी. जो न्यूटन ने नियम दिया उसने तो लॉ ऑफ इनर्शिया ही दिया. न्यूटन ने कौन सा नियम दिया? बात को समझना, क्योंकि बच्चों को यह लगता है कि स्यूडो की वजह से पीछे आता है कि इनर्शिया की वजह से आता है. जैसे कल मैंने समझाया था, एक कार जारी है, ये भाई साहब बैठे हैं यहां पे, एक्सीलरेट हो रही है कार, है ना. तो कार इनर्शिया की वजह से, मान लो एट एनी इंस्टेंट, एट भाई ये तो एक्सीलरेट है तो हर टाइम पे वेलोसिटी चेंज है ना बच्चों. एट एनी स्टेट वी है, तो ये इसकी वेलोसिटी वी रखना चाह रहा है. बॉडी की वेलोसिटी कितनी रखना चाह रहा है? समझ में आ रहा है? लेकिन इनर्शिया की वजह से वो किधर चला जाता है? पीछे चला जाता है. लेकिन वो कितना पीछे जाएगा, इफ वी कैलकुलेट दिस, तो ये इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे. और मास जितना ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा. तो वही मास तो उतना ही लेंगे जो भी बॉडी पीछे आ रही है ना, इनटू एक्सीलरेशन, जिससे नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला. दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो पीछे लगाना है इसको, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगाना. अगर रिटार्ड हो रहा है तो किधर चला जाएगा? आगे. लेकिन अगर मान लो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि आदमी आगे पीछे किसकी वजह से जाता है, तो ड्यू टू इनर्शिया. बट वी कैलकुलेट, वी कांट कैलकुलेट बाय इनर्शिया. वी कैलकुलेट नहीं कर सकते हम इनर्शिया से. और न्यूटन जैसा महान वैज्ञानिक जब स्यूडो फोर्स लगने लगा और वो फेलियर हो गया, तो फिर स्यूडो फोर्स, एक इमेजिनरी फोर्स, उसको बनाया गया और एक नियम भी बनाया गया कि जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, जो भी फ्रेम एक्सीलरेटेड है या रिटार्डेड है, तो स्यूडो लगाना पड़ेगा. अदरवाइज जैसे एक बॉडी है, मान लो ये ऐसा फ्रेम है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या रेस्ट में अपन कह सकते हैं इसको, तो इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस थे, सब कैलकुलेट किया गया, सबका वेक्टर सम किया गया, सबका वेक्टर सम करके और ये किसके बराबर आया? एम ए के बराबर. ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको. लेकिन जब यही फ्रेम एक्सीलरेट हुआ या रिटार्डेशन हुआ और ये फोर्सेस सारे लगाए, तो फिर क्या देखा कि रिजल्टेंट इन सब का वेक्टर सम जो है इज नॉट इक्वल टू एम ए. ये एम ए के बराबर नहीं आया. अब वैज्ञानिक परेशान हो गए कि न्यूटन फेल हो रहा है क्या? न्यूटन फेल हो रहा है.
नहीं, जैसे आदमी लिफ्ट में खड़ा कर दिया, एक किसमें खड़ा कर दिया, यहां वेइंग मशीन रख दी, क्या रख दी, वेइंग मशीन, लिफ्ट ऊपर जा रही है क्या, तो नियमानुसार तो एमजी बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए उसका वेट, लेकिन वो तो ज्यादा बता रही है नहीं, तो एमजी तो है ही सही इसका, और स्टूडो की वजह से कितना लगेगा एम ए, तो एम जी प्लस ए बताती हूं, कब लिफ्ट ऊपर जा रही है, वेइंग मशीन पे आदमी खड़ा हुआ है अंदर, और अगर यही लिफ्ट नीचे आए तो एम जी माइनस ए, ये आदमी खड़ा हुआ है इसके ऊपर और ये लिफ्ट नीचे आ रही है सपोज, तो एम जी, और ये जब लिफ्ट फ्रीली फॉल हो गई तो वो मशीन कुछ दिखाई नहीं रही है, दिस इज कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, जीरो, कोई आदमी क्या बिल्कुल गायब हो गया क्या, नहीं हुआ ना, तो क्या हुआ, इतना महान वैज्ञानिक फेल होने लगा, तो उन्होंने क्या किया कि इसको पास ये कब होएगा, जब अपन इसमें स्यूडो फोर्स अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं तो अगेन इट विल इक्वल टू एम ए, सारी चीजें क्लियर है, है? न्यूटन्स के तीनों लॉ में स्यूडो का कहीं नाम नहीं था, स्यूडो का कहीं नाम नहीं है, इट इज ए इमेजिनरी फोर्स, क्या है वो, इमेजिनरी फोर्स है, और वो आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही अप्लाई करना है, इनर्शियल फ्रेम में कभी भी नहीं, जैसे अगर आज ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जाए, या ये रेस्ट में हो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए या नीचे आएगा या रेस्ट में हो, तो आदमी का ओरिजिनल वेट जो भी होगा वही बताएगी मशीन, क्या बताएगी, ओरिजिनल वेट ही बताएगी, दैट इज इनर्शियल फ्रेम, आई बात समझ में, तो व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया है कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, वो चेंज नहीं चाहती, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, दैट डज नॉट वांट एनी चेंज, हाँ इट रेजिस्ट चेंज, अपोज करता है चेंज, और उसका मेजरमेंट किससे, मास, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मास ज्यादा होगा, एक ट्रेन को रोको आप, एक चलती हुई साइकिल को रोक लो तो किसको रोक लोगे आराम से, कि ट्रेन रोक देगा, दारा सिंह थोड़ी है कि ट्रेन रोक दे, दारा सिंह भी नहीं रोक पाएगा, हाँ हाँ, तो फिर ये मास, ये कोई मोशन का अपोज कहाँ हुआ, चेन खींच दे, कैसा गधेड़ा आदमी है यार, यार चेन खींच लिखो, तो ये एक्सीलरेट हो रही है या रिटार्डेशन है ना, तो ऐसे लिख लो ना आगे पीछे का, ऐसे साइन बना लो ना आगे पीछे, इनर्शिया की वजह से, किसकी वजह से, क्लियर, ये लिखा, बोलो, अब लिखो, ये डायग्राम बनाओ और इसको लिखो स्यूडो फोर्स एम, ये कार बनाओ इसको एक्सीलरेट करो, कार बनाओ इसको एक्सीलरेट करो, ठीक है, और ये स्यूडो दिखाओ पीछे, है ना, अरे यार कुछ बातें तो समझ लो ना, कि कहां लिखने में लगे रहते, दिमाग में बिठाना पड़ता है कहीं, ये लिफ्ट बना लो तीनों, ये लिखो लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन ए, लिखो लिफ्ट के लिए लिख लो पहले, लिफ्ट, लिफ्ट के लिए लिख लो, क्या लिख रहे हो, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन ए, अरे यार तुम लोग खतरनाक ही लोग हो यार वाकई, हाँ लिखो लिफ्ट इज मूविंग, लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग, रट एप्लीकेशन बायोलॉजी की तरह नोट्स बन पा रहे हो फिजिक्स के भी, लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, ये लिखो लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड, तो यहां एम जी प्लस एम ए भी बताना वेट,
वेट कितना बताओगे अभी आदमी का? एम जी प्लस ए। यहाँ पे वेट कितना बताओगे आदमी का? बायोलॉजी के नोट्स बनवा रहे हो यार तुम लोग। और यहाँ पे वेट कितना लिखोगे? एम जी लिखो। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और इन रेस्ट। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और लिफ्ट नीचे या ऊपर जा रही है नियत वेग से या स्थिर है। फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए फ्रेम विच रिमेन्स इन रेस्ट और मूविंग कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज नॉन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए फ्रेम विच इज मूविंग, बातें नहीं करो, विच इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और इन रेस्ट। लिखो सपोज ए बॉडी ऑफ मास एम इज लाइंग इन इनर्शियल फ्रेम। लिखो सपोज ए बॉडी ऑफ मास एम इज लाइंग इन इनर्शियल फ्रेम। अब इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेज काम कर रहे हैं, क्या लग रहे हैं इसके ऊपर बहुत सारे? इधर देखो बच्चों, ये लिखो F1 प्लस F2 प्लस F3, बहुत सारे फोर्सेस दिखाओ, रिजल्टेंट लिखो MA। अजड़त्व निर्देश तंत्र, हिंदी वाले लिखो अजड़त्व निर्देश तंत्र, क्या लिख रहे हो? एक्सीलरेटेड और रिटार्डेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखो एक्सीलरेटेड और रिटार्डेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सीलरेटेड और रिटार्डेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज ये एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है, तो अभी F1 प्लस F2 प्लस F3 ये लिखने के लायक नहीं है। अब ये कब बराबर होगा MA के बच्चों? इसमें स्यूडो ऐड कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? MA। क्या लिख सकते हैं? समझ गए? स्यूडो फोर्स किधर लगाना है आपको, है ना? स्यूडो में मास किसका लोगे? हाँ, जो भी बॉडी जो है ना इनर्शिया का अपोज कर रही वो मास और अपोजिट डायरेक्शन में लगा देना, और अगर रिटार्डेशन हो तो उसी डायरेक्शन में लगा देना। ठीक है, सेकंड लो, क्या लिख रहे हो? सेकंड लो लिखो। सेकेंड लो एफ बराबर एम ए नहीं होता बच्चों, सेकेंड लो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। क्या लिखा बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ओके, अब मोमेंटम कितना होता है बच्चों? एम इन टू वी। तो अगर मान लो मास वेरिएबल है, क्या है बच्चों? पहला केस कौन सा ले रहे हैं अपन? मास अगर वेरिएबल है और वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है? तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं d/dt mv। तो v बाहर आएगा, अब कौन बाहर आएगा बच्चों? और dm/dt।
कब? मास इज वेरिएबल. कब? मास वेरिएबल का केस ले रहे हैं अपन सबसे पहले. तो व्हाट इज सेकेंड लॉ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एप्लाइड फोर्स. दिस इज सेकेंड लॉ. ठीक. एफ बराबर एम ए नहीं होता है. एफ बराबर एम ए तब होगा बच्चों जब मास कांस्टेंट होगा. वो अगला स्टेप लेंगे अपन. वो हाँ, तो अभी मास क्या है? वेरिएबल है. डीएम बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास. रेट ऑफ चेंज ऑफ मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम पर सेकेंड. जैसे मैं वाटर गिरा रहा हूं 5 किलोग्राम पर सेकेंड से. कितने से? है ना. तो 1 सेकेंड में उसके ऊपर कितना मास गिर रहा है? 5 किलोग्राम. 10 सेकेंड में कितना गिर जाएगा? 50. कैसे किया? मल्टीप्लाई किया. शाबाश. तो आप लिखो रॉकेट प्रोपल्शन इसका बेस्ट एग्जांपल है. क्या लिख रहे हो? रॉकेट प्रोपल्शन. लिखो रॉकेट प्रोपल्शन. लिखो रॉकेट प्रोपल्शन. देखो रॉकेट प्रोपल्शन क्या होता है. इसमें फ्यूल चेंबर है. ये क्या है? तो पहले बहुत देर तक फ्यूल जलता है. ठीक है. और फिर इसमें से एकदम से गैसेज निकलती हैं. ये हाँ. तो यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस. लिखो यू. लिखो वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस. वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस क्या लिखा? और ये कांस्टेंट है. क्या है ये? ये इसमें से गैसेज निकल रही है बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से. किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक. अब ये क्या है? गैसेज जो बाहर निकलती है बच्चों. ये रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन एक्शन इक्वल टू ऑफ माइनस ऑफ रिएक्शन. एक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन. जैसे तुम दोनों हाथ मिलाओ. हाथ मिलाओ. तुम दोनों हाथ मिलाओ. आपको कुछ फील हुआ? दोनों को फील हुआ ना. तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसने एक्शन लगाया तो उसका रिएक्शन है. उसका एक्शन माने तो इसका रिएक्शन. ठीक है. तो एवरी एक्शन हैज. ठीक ठीक आता है तुम्हें. अब ये जो है ना अब थ्रस्ट ऊपर लगा रहे हैं. ये गैसेस जो बाहर निकलती है ये अब थ्रस्ट लगाती है ऊपर. कितना? यू डी एम बाई डी टी. कितना अब थ्रस्ट लगाती है ऊपर? इसका वेट किधर लगाओगे रॉकेट का? अभी फर्स्ट केस में अपन एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान रहे हैं. क्या मान रहे हैं? किसको? एयर रेजिस्टेंस. अभी क्या मान रहे हैं बच्चों? नेग्लिजिबल. ये रेजिस्टेंस सिर्फ एम्स में जो सवाल आते हैं ना उसी में आता है. ठीक है. अभी नेग्लिजिबल है. फिर बाद में कर दूंगा मैं. एयर रेजिस्टेंस भी कंसीडर करा देंगे. ठीक है. और एम जीरो मान लिया रॉकेट का इनिशियल मास. टी बराबर जीरो पर है. एम जीरो क्या है? इनिशियल मास. और अगर मान लो गैसेज जो है डीएम बाई डी टी से निकल रही है. इस रेट से गैसेज बाहर आ रही हैं. तो आप मुझे बता सकते हो आफ्टर टाइम टी रॉकेट का कितना मास रह जाएगा? हाँ, एम जीरो माइनस इंटू टी. इतना रह जाएगा. पक्का है ना? डीएम बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस. कैसे लिखेगा न्यूमेरिकल में? रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस. और एम जीरो क्या है? इनिशियल मास का मतलब टी बराबर जीरो पर. ओके. अब थ्रस्ट किधर लग रहा है बताओ? ऊपर. और एम जी किधर लग रहा है? नीचे. बराबर क्या हो जाएगा? एम. ओके.
तो एफ आपको क्या लिख सकते हो, यू डी एम बाई डी टी। बोलो बच्चों, और इसको एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं अपन, डीवी बाई डी टी। नहीं समझ में है? अब मैंने क्या किया, डी टी बाई एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे सबको, क्या क्या, तो यहां पे क्या रह जाएगा, यू डी एम बाई एम डी टी कट जाएगा, इसमें एम कट जाएगा, क्या रह जाएगा, जी डी टी, इसमें दोनों ही कट जाएंगे, क्या रह जाएगा, डी वी। किससे मल्टीप्लाई किया पूरे को, लिख लो यहां पर, डी वी इक्वल टू, इधर ले आया मैं डीवी को, है ना, एक ही बात है। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, गैसें जो है कंटिन्यूसली निकल रही है, मास कंटिन्यूसली वेरी है, क्या कंटिन्यूसली वेरिएबल है, कौन मास। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, आप चाहो तो इनिशियल वेलोसिटी ले सकते हो, चाहो तो जीरो कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, जीरो। और टी बराबर जीरो पर अगर वेलोसिटी जीरो लेते हैं और मास कितना है, एम जीरो, आप चाहो तो वी जीरो ले सकते हो इनिशियल वेलोसिटी अगर रॉकेट की दी हुई है, पर ऐसा होता नहीं है, इनिशियल जीरो ही रहती है ना। टी टाइम के बाद मास कितना रह गया, एम, और वेलोसिटी कितनी एक्वायर हो गई रॉकेट ने, कितनी एक्वायर कर ली, वी, क्योंकि गैसेज निकलती जा रही है उसको वेलोसिटी ऊपर देती जा रही है। बात समझ में आ रही है, बोलो। अब मैं यहां पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है मेरे को, दिस नेगेटिव साइन शोज कि मास डिक्रीजेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो बढ़ने के साथ साथ मास की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, टाइम के साथ साथ मास क्या हो रहा है। तो ये नेगेटिव मैंने जबरदस्ती लगाया, इसमें क्या लगाया, क्यों लगाया, सिर्फ टाइम के साथ, टाइम तो बढ़ रहा है, जीरो से टी हो गया, उसमें वेलोसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन मास क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, मास इज डिक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, बट मास डिक्रीजिंग, ये आपने लिख रखा है ना, ये डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो डीवी का इंटीग्रेशन कितना होगा, वी, बोलो, ये माइनस यू वन बाई एम का लॉग एम बेस ई, सबको आता है ना इतना, तो और जी डी टी का टी हो जाएगा, जीरो टू टी लिमिट लगाएंगे टी आ जाएगा, है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, u log बेस e, हालांकि m बाई एम जीरो आता, क्या आता, तो मैं क्या लिख रहा हूं अब इसको, m जीरो बाई एम, तो नेगेटिव एडजस्ट हो गया, क्या हो गया, एडजस्ट। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम t, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम t, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में आपको कुछ भी लगाना पड़ सकता है, न्यूमेरिकल में आपको ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, f अब क्या है, u dm by dt minus mg equal to ma, अब वो आपको न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा कि उसमें पूछा कितनी बात उसने पूछ रखी है, उसने कितनी बात पूछ रखी है। मान लो इनिशियली पूछता है तो एक्सीलरेशन अभी तो कहां से आएगा, तो वो कितना लिख दोगे, जीरो लिख दोगे, यानी कि गैस जो इजेक्टिंग गैस जो ऊपर अब थ्रस्ट लगाया वो किसके बराबर होगा, एम जी के, कब, इनिशियली। जैसे एक सवाल करते हैं, सवाल पेज नंबर निकालो आप 76 और क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन बैंक निकाल लो, पेज नंबर निकालो 76 क्वेश्चन नंबर 40, देखो सुनो, ए रॉकेट ऑफ मास 120 केजी, मास कितना दे रखा रॉकेट का, इज फायर्ड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब क्या है, जी जीरो, जी कितना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 40, पेज नंबर 76 है, एम कितना दे रखा उसने अपन को, 120 किलोग्राम, ये दे रखा है ना, ओके, विथ ग्रेविटी फ्री स्पेस इज इजेक्टिंग
गैस है विद वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड एट द रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकेंड। गैस कितने से इजेक्ट हो रही है? तो आपको क्या दिया हुआ है? यू कितना दिया हुआ है? अरे 1 kg पर सेकेंड क्या दिया हुआ है आपको? डीएम बाई डी टी क्या दिया हुआ है? है ना, क्या पूछा है? इनिशियल एक्सेलरेशन। तो ये तो आपको जीरो हो गया। यू कितना है बताओ? 600 और ये कितना है? 1 माइनस 0 इक्वल टू कितना है? 120 इंटू ए कितना आ गया? 5। इज इट क्लियर? यस। एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडरिंग, क्या लिख लिया? एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडरिंग। अब हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं, किसको? हाँ, वायु प्रतिरोध। देखो गैसेज तो किधर आ रही है? नीचे। वेट किधर लग रहा है? और गैसेज ऊपर। अब थ्रस्ट कितना लगा रही है? यू डीएम बाई डी टी। एयर रेजिस्टेंस किधर दिखाओगे? नीचे। शाबाश। तो क्या इक्वेशन बनाऊं अब मैं? अरे वेरी गुड, बिल्कुल मजा आ गया जिंदगी का। यू डी एम बाई डी टी माइनस एम जी माइनस एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू एम ए। पक्का है? बोलो, यही लगाओगे? तो बस ये सवाल कर दो। एम्स में आया हुआ है 2015 में। एम लो पेज नंबर 88। ये क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 88 में क्वेश्चन नंबर 17। पेज नंबर निकालो 88, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। पेज नंबर कौन सा निकाल रखा है? 88, क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों, ड्यूरिंग रॉकेट प्रोपल्शन गैस इजेक्टिंग विद वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एम्स 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015। गैसेज इजेक्टिंग विद वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब यू कितना दे रखा है आपको? 1000 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर क्या कह रहा है? द रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन इज एम बाई 10 किलोग्राम पर सेकेंड। क्या? किलोग्राम पर सेकेंड, मतलब क्या दिया हुआ? डीएम बाई डी टी कितना? एम बाई 10। ठीक है, वेयर एम इज इन इंस्टेंटेनियस मास ऑफ रॉकेट। इफ एयर रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, एयर रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है? 0.15 m इंटू वी से। देन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, अगर रॉकेट ने टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर ली है बच्चों, तो उसका एक्सीलरेशन कितना कर दोगे? 0, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे? u की जगह कितना लिख दूं यहां पे? 1000। dm by dt को कितना लिख दूं? m by 10 माइनस mg, mg की वैल्यू 10 ले लें तो 10m आ जाएगा। और एयर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 0.15 mv बराबर 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 100 में से 90m हो गए बराबर, उधर जाएगा तो ये 0.15 mv, m से m, तो वेलोसिटी कितने आ गई? 90/0.15 मीटर पर सेकेंड, 9000/15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बस लिख, सीधे बैठ जाओ। रॉकेट में क्या होता है बच्चों? ये फ्यूल चैम्बर होता है, फ्यूल जलता रहता है। तो फ्यूल जलने के बाद एकदम बहुत वेरी हाई वेलोसिटी से गैसेस, दैट इज यू। What is u? Velocity of ejecting gas. Velocity of t बराबर 0 पर इनिशियल मास कितना है? m 0। dm by dt रेट से गैसेस बाहर निकल रही हैं। तो आफ्टर टाइम t रॉकेट का मास इतना रह जाएगा। न्यूमेरिकल में ऐसा बना सकता है तो ये काम आ सकता है।
ठीक है, इनिशियल मास उसने दे दिया 1000 किलोग्राम और उसने कहा कि 10 किलोग्राम पर सेकंड से गैसेज निकल दिए, एक मिनट के बाद अगर पूछे तो एक मिनट के बाद मास कितना रह जाएगा, माइनस कर देना, उसको इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो अब अपथ्रस्ट किधर लग रहा है, ऊपर, किसने लगाया अपथ्रस्ट इसके ऊपर, गैसेज ने, गैसेज एक्शन दिस इज रिएक्शन, तो वो ऊपर रॉकेट उड़ता जा रहा है, तो अब थ्रस्ट माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन भी आपको न्यूमेरिकल में काम आ सकती है, ठीक है। जैसे अभी ग्रेविटी फ्री रीजन किया था तो अपन ने इसको जीरो कर दिया था, ठीक है, तो ये इक्वेशन भी आपको काम आ सकती है। लेकिन अभी वो कहे टी टाइम के बाद व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई रॉकेट आफ्टर टाइम टी, तो हमको इंटीग्रेट इसलिए करना पड़ा बिकॉज मास इज वेरिएबल, ठीक है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो हमने क्या किया इसको इंटीग्रेट किया, जीरो टाइम पे इनिशियल मास था, जीरो वेलोसिटी थी, जीरो मानी हमने, ठीक है, टी टाइम पे मास कितना रह गया एम, वेलोसिटी वी, टाइम भी बढ़ा वेलोसिटी भी बढ़ी लेकिन मास डिक्रीज हुआ, इसलिए हमको यहां नेगेटिव साइन लगाना पड़ा क्योंकि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज बढ़ रही हैं लेकिन एक कम हो रही है, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, मास कम हो रहा है किसके साथ साथ, टाइम के साथ, डीवी का इंटीग्रेशन भी 1 बाई एम का लॉग एम और जी टी टी का टी आ गया, दिस ये क्या है वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, रॉकेट उड़ने के बाद टी टाइम के बाद इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली। अभी तक हमने इसमें एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया, अगर हम एयर रेजिस्टेंस भी कंसीडर करेंगे तो उसको अपोज करना पड़ेगा, ये माइनस ये इक्वेशन बन जाएगी और ये सवाल हमने, ओके समझ में आ गया, क्या लिख रहे हो बच्चों, हिंदी में आवेग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या होती है, जब हम बहुत ज्यादा फोर्स थोड़े टाइम के लिए अप्लाई करें तो उन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं अपन, इम्पल्स, जैसे फुटबॉल रखिए तो आप किक मारते हो फुटबॉल पे, तो किक जब मारते हो आप तो कितना सा टाइम होता है, और है ना, और फोर्स तो जोरदार पड़ती है ना किक तो, ठीक है, तो लिख लो ये लाइन, व्हेन हाई फोर्स, व्हेन वेरी हाई फोर्स, इज एक्टेड अपॉन ए बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम, जब बहुत ज्यादा बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाए तो उन दोनों के गुणनफल को आवेग कहते हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज नॉन एज इम्पल्स, इम्पल्स कैसे निकालोगे आप, एफ एवरेज ले लेते हैं अपन इंटू डेल्टा टी, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, ठीक है, इम्पल्स क्या लिखा आपने, जब बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगा है तो उन दोनों का मल्टीपल को क्या बोलते हैं अपन, इम्पल्स, जैसे फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया अपन ने, जैसे क्रिकेटर होता है ना, क्रिकेटर बैट्समैन, तो बैट्समैन को कितना कम टाइम मिलता है, मतलब उसका कॉन्टेक्ट मान और मारता छक्का, नहीं है कि नहीं, तो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, वेरी लेस, बट चेंज इन मोमेंटम वेरी हाई, मोमेंटम चेंज हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा चेंज होगा, नहीं, तो अपन इसको चेंज इन मोमेंटम से भी निकालते हैं, किसको, इंपल्स को, अगर मान लो अपन इंपल्स को एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं, डीपी बाई डीटी, तो डीपी इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों, एफ डीटी, तो अगर इसको इंटीग्रेट कर दे, मान लो फोर्स कभी कभी वेरिएबल भी दे देता है, फोर्स कभी कभी, तो जीरो टाइम पे मान लो पी वन मोमेंटम था, टी टाइम पे मान लिया कितना हो गया मोमेंटम, पी टू,
ठीक है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, पी टू माइनस पी वन, क्या लिखोगे, इक्वल टू जीरो टू टी एफ डी टी। नहीं, इसको भी मोमेंटम निकालते हैं और इसको बोलते हैं एरिया अंडर एफ टी कर्व, एरिया अंडर एफ टी कर्व। ठीक है, जैसे मान लो ये एफ टी एरिया दे दिया उसने, ऐसा दे दिया, मान लो एफ टी कर्व इस तरह से दे दिया, तो इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड है। कौन सा फोर्स अप्लाइड है, कांस्टेंट फोर्स। अगर मान लो इस तरह से आ गया एफ टी कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व तो निकालेंगे हम, लेकिन इसका एरिया हम निकाल नहीं पाएंगे, वेरिएबल फोर्स है। तो कभी कभी क्या करता है वो, ऐसे दे देता है, जस्ट लाइक दिस, कैसे दे देता है तो जब इसका एरिया नहीं निकाल पाते ना, तो वो आपको क्या करेगा, बेवकूफ बनाने के लिए जितना प्लस में देगा उतना ही माइनस। व्हाट इज इंपल्स, जीरो। व्हाट इज इंपल्स, इन दिस केस जीरो। तो आपको नेगेटिव वाले को क्या करना है, नेगेटिव, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव करना है। ठीक है, एरिया अंडर एफ टी कर्व, एरिया अंडर एफ टी कर्व, दैट इज इंपल्स। चेंज इन मोमेंटम, क्या चेंज इन मोमेंटम को से भी हम इंपल्स निकालते हैं। क्या बोला मैंने, इंपल्स का दूसरा तरीका क्या है निकालने का, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, तो मोमेंटम चेंज से भी आप निकाल सकते हो इंपल्स। तीसरा कैसे निकाल सकते हो, एरिया अंडर द कर्व, एरिया आपको एफ और टी में ग्राफ दे देगा वो, क्या करेगा, टी में ग्राफ दे देगा, तो उसका एरिया निकाल देना, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड हो तो जीरो, जरूरी नहीं है जीरो हो, जरूरी नहीं है, उसको माइनस करना है आप, किसको, नेगेटिव साइड, बिकॉज वेक्टर है ना, तो सारा क्या है वेक्टर, समझ में आ रहा है आपको। तीसरा आपको ऐसे दे सकता है, जैसे ये वॉल है मान लो, है ना, अब इस पे थीटा एंगल पे वी वेलोसिटी से कोई बॉल आके टकराई, ठीक है, और वापस इलास्टिक कोलिजन हुई, इधर चला गया, तो उसने अपन से पूछ लिया व्हाट इज इंपल्स, कॉस थीटा आएगा ना गुड़िया, 2mv cos थीटा, कितना आएगा 2mv cos थीटा, नया समझ में, ये भी कराऊंगा, सवाल कराऊंगा, आप लिख लो सारा, ये सारे ये जो सवाल है ना, इंपल्स कैसे निकालते हैं, ये सारा लिख लो आप, इंपल्स की 18 नीट 2016 सेकंड लल्लू क्वेश्चन है, नहीं है बिल्कुल, देखो ये गिरा ऐसे, कितने वेलोसिटी से, कितना एंगल है ये, इधर कितना है, कितना वी आया, बोलो क्या निकालना है आपको, इंपल्स इंपार्टेड बाय वॉल ऑन द बॉल विल बी, इंपल्स निकालनी है, इंपल्स क्या होता है चेंज इन, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, एम वी कॉस थीटा, इधर कितना आएगा, एम वी कॉस थीटा। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं अपन, पी टू माइनस पी वन, पी वन माइनस पी टू, नहीं पी टू माइनस पी वन, तो इसको क्या लिखेंगे, एम वी कॉस थीटा, बिल्कुल वेक्टर से किया करो माइनस आई के, क्योंकि अगर जिस दिन वो घुमाने पे आ गया ना वेक्टर में, घुमा देगा तुम्हें, ये प्लस आई के, एम वी कॉस थीटा इधर है, माइनस आई के लगाओगे, पहले वाले का क्या लगाओगे, एम वी कॉस थीटा आई के, तो कितना आएगा ये, माइनस टू एम वी कॉस थीटा आई के, बट वी हैव टू फाइंड आउट ओनली मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है आपको, तो 2mv cos थीटा cos 60 दे रखा है, cos 60 वैल्यू कितनी होती है, तो mv आ जाएगा, समझ में आया, आप तो पूरे ढंग से तरीके से करो सवाल को। चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये नहीं है कि आप इनिशियल में से फाइनल माइनस करेंगे, क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल, सवाल का आंसर भले ना आए, अपना कंसेप्ट मत बिगाड़ा करो, समझे, पेज नंबर 87 क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर निकालो बच्चों, 87 क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन नंबर 10, ये AIPMT किसमें, कौन से ईयर में आया हुआ, 2014 में,
किसमें है? कैसा दे रखा है? इस तरह से एफ टी कर ऐसा दिया हुआ है कि कौन सा दिया हुआ है? एफ टी। तो एफ टी कर्व क्या शो करेगा? मैंने तुम्हें बताया था ना, एरिया अंडर द कर्व क्या शो करता है? दोनों को प्रोडक्ट, याद रखना ही है ना, दोनों का प्रोडक्ट। ओके, एफ इंटू टी मतलब चेंज इन मोमेंटम बता देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका एरिया निकालना बस। लेकिन एरिया ध्यान से निकालना, नीचे नेगेटिव वाले को माइनस और पॉजिटिव वाले को प्लस। तो कितना दे रखा है? जीरो। यहां पे कितना है? टू, एट। यहां पे सिक्स। यहां पे माइनस तीन। ठीक है, कर दो फटाफट। हो गया नहीं तो क्या करना है बताओ? एरिया निकालना है। क्या आंसर? सबको आ गया? सबको आ रहा है? सब इतने होशियार हो गए? अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर, अति सुंदर। क्वेश्चन नंबर 25 निकालो, पेज नंबर 75। पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 25। जीरो आ गया? कैसे आया जीरो? अभी पढ़ाया था ना, जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है? नेगेटिव। कर दोगे? क्यों नहीं आएगा ये? बोलो। 24 पढ़ो चलो। अरे तुमको तो आ गया, कहीं बच्चों को नहीं आया, मैं बताता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, पढ़ो इसको। पेज नंबर निकाल लिया। ए वाटर जेट हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। वाटर जेट है, क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है? ए। स्ट्राइक्स मेकिंग एंगल थीटा विद नॉर्मल एंड रीबाउंड्स इलास्टिकली विद वाटर। वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ डेंसिटी डी इज वी। फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल। क्या निकालना है आपको? ये कितने एंगल पे गिरा रखा वाटर ने? थीटा पे। इधर भी रीबाउंड्स इलास्टिकली दे रखा है। कितनी वेलोसिटी दे रखी है ये? वी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? 2mv cos थीटा / t कर दे फोर्स को। बोलो अब m बराबर क्या सिखा रखा है? vd। v क्या है? वॉल्यूम। v क्या है? तो वॉल्यूम को कितना लिखोगे? इंटू x इंटू d इंटू v cos थीटा डिवाइडेड बाई t। x बाई t को वापस क्या लिख दो? वेलोसिटी। तो 2a v स्क्वायर d cos थीटा। समझ में आ गया? तुम तो खटाखट कर रहे हो आज। कभी कभी क्या करता है वो, डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ दे करके आपको क्या पूछ सकता है? इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम पूछ सकता है। देन हाउ कैन यू कैलकुलेट? क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ लो उसके लिए। कौन सा पढ़ रहे हो? 37। पेज नंबर निकालो 76। पेज नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 37। पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है आपको, देखो। ये देखो इस तरह से दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? एक्सटी ग्राफ। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ एक्सटी? वेलोसिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज स्लोप ऑफ एक्सटी? वेलोसिटी। आने लगे है ना। इन द फिगर गिवन बिलो द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज शोन। द इम्पल्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। टी बराबर 2 सेकेंड पर आपको क्या निकालनी है? इम्पल्स निकालनी है। यहां पे कितना दे रखा है? और ये एक्स किसमें? मीटर में। और ये क्या निकालनी है? इम्पल्स कितने सेकेंड पर? टी बराबर 2 सेकेंड पर। इम्पल्स क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अपन केवल, P2 - P1। ठीक है,
दो सेकंड पर इंपल्स निकाल लिए, कितने आएगी बताओ? माइनस पॉइंट, सही सही है, कितने आएगी? जीरो माइनस इस एक्स टी कर्व की स्लोप, व्हाट इज यू गिव स्लोप ऑफ एक्स टी, क्या देती है आपको बताओ? वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी यहां से यहां तक कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना, बिकॉज स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, आ रहा है समझ में? तो कितनी होगी वो वेलोसिटी बताओ? चार माइनस जीरो डिवाइडेड बाई दो माइनस जीरो, कितनी आएगी वेलोसिटी? यार कांस्टेंट रहेगी नहीं रहेगी? क्यों रहेगी कांस्टेंट? थीटा कांस्टेंट है, स्लोप यहां रहेगी। जीरो से दो सेकंड तक मोमेंटम कितना रहेगा? एम कितना दे रखा उसने? पॉइंट वन। तो मोमेंटम कितना हो गया? पी वन वन पॉइंट वन इंटू टू है ना। लेकिन उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद इसकी स्लोप बताओ कितनी आ जाएगी? जीरो। स्लोप जीरो का मतलब वेलोसिटी जीरो, क्योंकि अरे वेलोसिटी जीरो होगी ना गधेड़े, स्लोप जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। अरे स्लोप ही तो वेलोसिटी है, जब स्लोप जीरो कर रहा है तो वेलोसिटी भी जीरो बोलना है। क्या लिखा हुआ है ऊपर? स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व इज वेलोसिटी। उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? सपा चैट। तो इसको थोड़ा सा ऐसा लिखना चाहिए जस्ट आफ्टर, जस्ट ऐसा लिखना चाहिए जस्ट आफ्टर, हमको मानना पड़ रहा है वो कि ये मोमेंटम कितना आ गया फाइनल जीरो और इनिशियल कितना था पॉइंट टू। ठीक है, तो इंपल्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यह जाओ माइनस पॉइंट टू। आगे क्या समझ में तुम्हें? यार तुम्हें ना जिसको समझ में नहीं आता ना वो भी बोल दिया करो कि समझ में नहीं आया, बोला करो इसको, क्या बोलोगे? कांस्टेंट लाइन। तो स्लोप कितनी हो गई? जीरो। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? लेकिन यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। कितने टाइम तक? दो सेकंड तक। जस्ट आफ्टर टू सेकंड मोमेंटम बिकम जीरो। ओके, तो इंपल्स समझ में आ रही है? अभी कभी कभी क्या करते हैं, जैसे एक डिस्क है ना, अब जैसे मान लो तुम जादू करो और चाहे तो डिस्क को हवा में तैराना, एम जी की वजह से तो नीचे आएगी ना। जैसे आज ये डस्टर है ना, मैं चाह रहा हूँ इसको हवा में तैराना, ठीक है, तो ये एम वेट की वजह से तो नीचे आएगा ना, नहीं तो न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ फेल हो जाएगा। और अपन ऊपर चला रहे बंद टच क्या है ना, तो जैसे बंदूक चलेगी, अरे समझने की कोशिश किया करो क्या, इधर देखो नीचे से गोली चलाई तुमने, ठीक है, तो गोली रिबाउंड भी तो होगी। हम मान के चलते हैं कि एम मास की वेलोसिटी है और वी से टकराई, तो रिबाउंड होगा। इसका मतलब समझते हो, जब केटीजी पढ़ा रहा था मैंने बताया था ना कि करके इलास्टिक कोलिजन आया तो तेरे वेलोसिटी मोमेंटम चेंज कैसे आ गया, तो वहां क्या सिखाया था मैंने आपको कि मैं वॉल को देके आ गया तो इसको मोमेंटम मिलेगा। जैसे ये रिबाउंड होगा ना तो मोमेंटम किसको मिलेगा? डिस्क को, या डिस्क या कुछ भी, मतलब जो हवा में तैर रहा है, जिसको भी एनीबॉडी वी वांट टू, है ना, ठीक है। तो अपन ने गोली चलाई बच्चों, तो उसको मोमेंट रिबाउंड हुआ, तो मोमेंटम मतलब उसने फोर्स लगाया, तो वो अगर mg को वो बैलेंस कर दे, अगर सपोज करो हमने एक सेकंड में धन 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 गोलियां चलाते गए, एन गोलियां चला दी, ठीक है, उसको नीचे नहीं आने दिया, किसको? डिस्क को। तो वेट की वजह से नीचे आना चाह रही थी ना, लेकिन उसको मोमेंटम किसकी वजह से मिल गया? मोमेंटम मिला तो फोर्स लगा, मोमेंटम मिला तो कितना? 2mv/t। अगर एक गोली है तो, अगर n गोलियां हो तो 2mv×n/t इक्वल टू क्या लिख दोगे? mg। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो ये सवाल कर दो, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 सुनो, ए डिस्क ऑफ मास 1 kg इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली इन एयर बाय फायरिंग बुलेट ऑफ मास
0.05 kg each vertically added at the rate of 10 per second. एक सेकंड में कितनी गोलियां चला रहा हूं? 10. If the bullets rebound with same speed, the speed with which they are fired will be. कितनी स्पीड से अपन गोलियां चला रहे हैं अगर वो हवा में तैर रही है तो. What is the concept? Who is balancing the weight? Momentum gain by this. वो momentum कहां से मिला उसको? Bullet से. Question number 33 जो disc वाला था उसको कैसे करते हैं अपन? आपने निकाल लिया 33. A disc of mass 1 kg. Disc का mass कितना दे रखा था? 1 kg. ये disc थी. Weight किधर लगेगा इसका? नीचे. गोलियां किधर चल रही है? ऊपर. तो वो उसको क्या दे रही है? मोमेंटम. तो मोमेंटम कितना मिल रहा है? एक गोली का 2 mv, n गोलियों का इंटू n डिवाइडेड बाई t, तो ये फोर्स हो जाएगा. फोर्स बराबर क्या कर दोगे? mg. लेकिन ये बुलेट का मास है और ये किसका मास है? डिस्क का. ऐसा नहीं है mm उड़ा दो तुम. ये किसका मास है? डिस्क का. कितना दे रखा है? 1. इंटू g कितना है? 10. और बुलेट का मास कितना है? 0.05 दिया हुआ है ना बच्चों. पढ़ो सवाल पढ़ो. v कितना दे रखा है? निकालना है. शाबाश. और बुलेट्स कितनी लगा रखी है उसने? 10 पर सेकेंड. मतलब टाइम कितना है? 1 सेकेंड. और 10 बुलेट्स हैं. कर दोगे? से भी आ गया. कर लोगे? और अभी जो सवाल दिया उसका एरिया निकाल दोगे? निकाल दिया? बोलो. अब मैं आपको सिखा रहा हूं लामी थ्योरम. क्या सिखा रहा हूं? लामी थ्योरम क्या होती है? देखो, लिखो लामी थ्योरम. लामी थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों. बहुत आसानी से सवाल हो जाते हैं इससे. लामी थ्योरम से बहुत आसानी से सवाल हो जाएंगे. कैसे? अब सीधे बैठ जाओ. सुन लो पहले. ठीक है, सीधे बैठो. एकदम अलर्ट. ओ भाई, हो गया जो कुछ होना था. तीन फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे. कितने? कितने फोर्सेज एक्ट करते हैं? तीन फोर्सेज. किस पे? ऑब्जेक्ट. मान लो ये मान लो F1 इधर लग रहा है किसी पार्टिकल के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर. कितने फोर्सेज हैं ये? तीन. F1, F2, F3. एंड पार्टिकल और ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. क्या बोला? When three forces are acting on a particle or object and particle or object remains in equilibrium. क्या बोला? तीन फोर्स लग रहे हैं किसके ऊपर? पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के ऊपर. और फिर भी पार्टिकल किस में है? इक्विलिब्रियम में. तो लामी क्या कहता था कि F1, अब ये फोर्स कोई सा भी हो F1, है ना, तो इसके दो अपोजिट जो है उनके बीच का एंगल लेना, मतलब F2 और F3 के बीच का. मैंने सपोज मान लिया अल्फा. आपको क्या करना है? जैसे F1 लिखा, या भी सवाल करेंगे, जैसे F1 लिखा आपने, ठीक है, तो सामने वाले दो फोर्स के बीच का एंगल. तो अल्फा क्या है बताओ? F1 के सामने जो दो फोर्स हैं उनके बीच का एंगल. किसके सामने? तो कितना है वो? साइन अल्फा इक्वल टू F2. अब F2 इसके सामने के कौन? इसके सामने कौन है? कौन है? F1, F3. तो ये मान लिया मैंने, सपोज करो बीटा. कितना मान लिया? तो साइन बीटा हो जाएगा. ओके, इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? F3. बस रटो मत है. F3 के सामने कौन है? तो एंगल बिटवीन F1 F2 में भी 30 डिग्री, में भी 120 डिग्री, में भी एनी एंगल. हाँ, दैट इज, हमने माना इसको गामा.
क्या माना? गामा, साइन गामा। अब हाउ टू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व कैसे करें? तीनों बराबर हैं कि नहीं है? तो आप दो इक्वेशन ऐसे बना लेना, एफ वन अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू एफ टू अपॉन साइन बीटा, और एफ टू अपॉन साइन बीटा इक्वल टू एफ थ्री अपॉन साइन गामा। समझे? जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको ये सारे नोन है और एफ वन एफ टू अननोन है, ये क्या है? नोन। क्या है बच्चा? कौन? एफ थ्री भी नोन है और गामा भी नोन है, तो ये पूरा नोन है, लेकिन अननोन कौन है? एफ वन एफ टू। तो आप इसको इसके बराबर करोगे तो एफ वन आ जाएगा, इसको इसके बराबर करोगे तो एफ टू। समझ में नहीं आई? जरूरी नहीं है कि इनको आपस में बराबर करना है। तीनों बराबर है कि नहीं है? हम हमारी मर्जी पड़ेगी जिसको बराबर करेगा है? नहीं, अगर ये नॉन है और अननॉन कौन है, तो हम क्या करेंगे? इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर। मान लो ये नॉन है सारा, ये दोनों अननॉन है, इसको इसको बराबर करेगा, इसको इसको बराबर करेगा। समझ में आ गई बात? Why Lamy you have given this for this theorem? Why? Three unknown quantities. How can we calculate them? दूसरा तरीका क्या है? अगर मान लो Lamy theorem नहीं आती हो ना, तो ऊपर बराबर नीचे, दाएं बराबर ऊपर बराबर नीचे लिख गया, नीचे बराबर ऊपर, बात तो है कि हुई ना? लकार आदमी यार। और दाएं बराबर बाएं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, ऑब्जेक्ट किसमें बोला अपन ने? तो यू हैव टू फाइंड आउट कंपोनेंट्स, क्या निकालना पड़ेगा? दैट इज अनदर मेथड, दैट इज अनदर। लेकिन Lamy थ्योरम से क्या है, खट से एक सेकंड में आपको कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कंपोनेंट निकालना आना चाहिए, दैट इज गुड, क्योंकि बहुत सारे सवाल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बनते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज Lamy थ्योरम? कि एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी पार्टिकल है, इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एंड पार्टिकल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, देन वी कैन अप्लाई Lamy थ्योरम। समझ नहीं पा रहे आप? लिखोगे? When three forces are acting on a body, three forces are acting on a body, and body remains in equilibrium, and body remains in equilibrium, and then ye line likh lo. अब सवाल निकालेंगे अपन। देन सब आ गया ना? अब देन अभी भी क्या है? देन देन करें। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर निकालो 70। क्वेश्चन नंबर टू, ये है डेली प्रैक्टिस शीट 5 का दूसरा सवाल, 5 डेली प्रैक्टिस शीट 5 का दूसरा सवाल। देखो देखो, उसने क्या पूछा है? तीनों रस्सियों में टेंशन पूछा है,
हैं, क्या पूछा है? तो मान लो T1, T2, T3 क्या मान लिया अपन ने? इधर देखो, इधर सीधे बैठो। अरे तुम बाद में कर लेना, इधर समझ लो मैं कैसे करता हूं। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये F1 फोर्स है, ओके। अब आपको क्या करना है, सामने वाले के दो फोर्स के बीच का एंगल लेना है। तो जैसे आपने ले लिया T1, क्या ले लिया बच्चों? T1, ओके। कितना ले लिया? तो T1 के सामने वाले कौन है? T2 और T3। अब ये एंगल 60 दे रखा है, तो ये कितना हो गया? 90। ये कितना आ गया? 30 आया नहीं आया बोलो। और ये कितना है? तो टोटल एंगल कितना हो गया? साइन 120 की वैल्यू मालूम है? नहीं है, हाफ 180 माइनस 60, साइन इज √3/2। T2 देखो, T2, अरे जो सिखाया था उसको अप्लाई करो। T2 देखा, अब एंगल किसके किसके बीच का लोगे? कितना है वो? 90। साइन 90 कितना होता है? 1। नकल करते जाओ, ऐसे 50 सवाल बना दूंगा, 50 की नकल करना, उनको घोटा लगाना फिर बैठ के। T3 कितना है? अरे T3 के अपन जो है सामने वाला एंगल कितना लेंगे? 150। कैसे? क्योंकि ये पूरा 180 है, ये 30 हो गया, तो बच्चों ये कितना रह गया? 150 बोलो। और T3 कहां लटक रहा है? ये यहां पे। तो इसका अगर फ्री बॉडी बनाएंगे 100 न्यूटन का, तो 100 नीचे और T ऊपर, तो T3 बराबर कितना आएगा? 100। तो 100 आ गया कि नहीं आ गया ये? और साइन 150, 180 माइनस 30, तो साइन 30 हाफ हो जाएगा। शाबाश। तो ये 200 आ रहा है? ये कितना हो गया? 100 अपॉन हाफ 200 आ रहा है? नहीं आ रहा बोलो। कितना आ गया ये? तो आपको क्या सिखाया था, इसको इसके बराबर, ये ज्ञात है, तो ये इसके बराबर कर दोगे, T2 कितना आ जाएगा? 200। T3 कितना आ गया? 100। और T1 कितना आ जाएगा यहां से? ये √3/2 इक्वल टू 200। कितना हो जाएगा T1? 100 √3। नहीं आया समझ में? किससे किया अपन ने? लामी थ्योरम लगा रहे। किससे किया? दोबारा समझो, कौन सा समझ में आया? 48 देखो, 48 पेज नंबर 77 पे 48। ए मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय रॉप। देखो मास ऑफ 6 kg, कितना kg? 6 kg। शाबाश। ये दे रखा अपन को इस तरह से, जस्ट लाइक दिस। 6 kg ये ब्लॉक है। बाय ए रॉप ऑफ लेंथ 2 meter फ्रॉम सीलिंग। कितना मीटर लेंथ है ये? 1 meter इधर है, 1 meter इधर है, ठीक है। ए फोर्स ऑफ 50 newton इज अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किधर लगाया उसने? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लगाया? 50 newton। एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। क्या था बच्चों? जैसे ये रस्सी पहले ऐसे थी, समझना बात को, उसने मिड पॉइंट पे क्या लगाया? फोर्स तो ये होगी टेढ़ी। क्या हो गई? टेढ़ी हो गई। बीच में लगाओगे तो होगी सही ना टेढ़ी? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रोप एंड वर्टिकल? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रोप? ये थीटा निकालना आपको। क्या निकालना है? थीटा। और कुछ दिया हुआ अपन को? कुछ भी नहीं दे रखा। थीटा निकालना है। क्या निकालना है? अब देखो ये 1 meter, तो ये तो काम आएगा नहीं। इसमें टेंशन मान लें अपन T1, इस रस्सी में मान लें T2, ओके। ये 50 न्यूटन है ही सही। 3 forces लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं? ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? 6g नीचे लग रहा है नहीं लग रहा? तो T2 कितना हो जाएगा बताइए? 60 न्यूटन।
नहीं बोलो yes, अब क्या लगा दूं मैं लामी थ्योरम तो कौन सा फोर्स लोगे एक एक लेते जाओ बोलो क्या ले पहले 50 ले लो जो इच्छा हो ले लो अब 50 ले लिया तो इसके सामने दो फोर्स कौन से हैं उनके बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा वेरी गुड 180 माइनस थीटा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्योंकि ये थीटा है ये पूरा 180 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा ओके अब दूसरा फोर्स ले लो T2 हालांकि वो 60 के बराबर है या 60 लिख दो चाहो तो और 60 के बराबर ये T2 है ना कितना है अब किसके बीच में एंगल लेंगे साइन ओके अब कौन सा रह गया T1 का आता पता भी नहीं है T1 कितना T1 अपॉन साइन 90 बोलो निकालना क्या है अपन को थीटा इन दोनों से आ जाएगा दोनों को बराबर कर दें तो 50 साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा तो 50 अपॉन 60 कितना आ गया तो बस आ गया ना थीटा 10 इनवर्स यार समझ गए किससे किया अपन ने लामी से किससे किया दोबारा समझाऊं क्या है बराबर इधर सीधे बैठ जाओ एकदम तुम एकदम जब समझा रहे हो ना तब मत लिखा करो इधर देखो इधर ये T1 है इसके कंपोनेंट आएंगे क्या कुछ भी गोली मार दे इनको तो नहीं ये T3 लेने की जरूरत नहीं है इसका 100 वेट किधर लगेगा नीचे अभी इक्विलिब्रियम से कर रहे हैं ना इसलिए ठीक है अब तो सीधा किधर कर दोगे बोलो अब ये कितना एंगल है बताओ ये कितना हो जाएगा तो इस T2 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा हाँ ठीक है अगर मान लो अगर ये गुड़िया 30 ले रही है तो कोई बात नहीं सही बोल रही हो अभी अगर इधर T2 cos 30 आ गया है ना आपको ये एंगल लेने की जरूरत नहीं थी ठीक है T2 sin 30 सही बोला बिल्कुल है ना T2 के कंपोनेंट निकाल लो ना मेरे भाई नहीं तो ऊपर क्या है T2 sin 30 नीचे क्या है ना तो बराबर कर दें T2 sin 30 बराबर कितना कर दूं 100 तो T2 कितना आ गया 200 और T1 बराबर क्या कर दें T1 बराबर T2 T2 कितना है ये कितना है आपको ये ज्यादा सही था ना सर अरे लेकिन लामी सिखानी तो पड़ती है ना परेशान होगा तभी तो आगे बढ़ेगा भाई परेशान ही नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा अब लग रहा है मेरे को कि यही सिखा देते तुम्हें लामी थ्योरम तो बहुत काम आती है वेक्टर में भी काम आती है वो बहुत जगह काम आती है लामी थ्योरम ये समझ सोचना कि एक ही चैप्टर में काम आती है लामी थ्योरम क्या हाँ चलो अभी इसमें देखो इसको तो मारे गोली वो तो इसके बराबर है ही इधर कंपोनेंट कितना आएगा बताओ T1 cos थीटा इधर कितना आएगा तो T1 cos थीटा बराबर कितना लिखोगे 6G का मतलब 60 और T1 sin थीटा बराबर 50 तो 10 थीटा बराबर कितना आ गया 50/60 तो आप कहोगे सर ये सही था ना हमको परेशान करते हो आप लेकिन लामी भी सीख गई है भी सीख गए दोनों ने ये ज्यादा सही है इससे कर दो तुम बस इससे तो कर सकते हो बोलो क्या करना है इसमें बताओ कंपोनेंट निकालने ऊपर फोर्स बराबर नीचे फोर्स क्यों कर रहे हैं ऊपर नीचे बताओ
इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, अपन अभी रोटेशनल तो पढ़ नहीं रहे, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, समेशन ऑफ fx इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ fy इक्वल टू जीरो, हॉरिजॉन्टल जीरो है, वर्टिकल भी जीरो है, दिस इज नोन एज ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, या यूं कहें कि नेट फोर्स जीरो शॉर्ट में। इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, देयर इज नो एक्सेलरेशन, बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। जैसे अभी आप बैठे हो तो आपका वेट किधर लग रहा है? नीचे। तो ये जो सरफेस है उसने आपको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, इसलिए आराम से बैठे हुए हो इक्विलिब्रियम में। तो n बराबर क्या है? mg। अगर नीचे से आपको कुछ करने लग जाए तो उचक जाओगे। वेट तो नीचे लगाना ही है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं समझा रहा इसको। ये तो आपको नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस लगानी है। टेंशन किधर लगाना है? अवे फ्रॉम द बॉडी इन द स्ट्रिंग। लेकिन अगर रस्सा मोटा है, यहां पे आएगा मोटा रस्सा लेंगे, अभी तक अपन ने कभी मोटा रस्सा लिया नहीं, तो अगर रस्सी मोटी है थिक है तो टेंशन इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, ठीक है। जैसे याद है वेव थ्योरी में मैंने सिखाया था एक मोटा रस्सा लटका दिया था, तो यहां पे टेंशन कितना था? जीरो। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे टेंशन बढ़ता जाएगा, यहां पे टेंशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर लाइट स्ट्रिंग है तो टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट, ओके, टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट। तो अपन सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे मान लो दो ब्लॉक लगा दिए उसने, फ्री बॉडी डायग्राम बना बना के सवाल करेंगे। अब लिख लो फ्री बॉडी डायग्राम, नाउ या लिखो FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बना बना के सवाल करेंगे बच्चों? फ्री बॉडी डायग्राम कैसे करेंगे अब? फ्री बॉडी, अभी तक कोई चीज कठिन तो नहीं लगी ना, है ठीक है। जैसे ये M1 M2 दो ब्लॉक है बच्चों, क्या है? अब अपन ने फोर्स लगा दिया इधर F, ओके। तो एक चीज तो अपन को कई बार न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक्सीलरेशन कैसे निकालना है आपको, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये आप जानते भी होंगे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अभी फोर्स, नेट फोर्स कितना है यहां पर? F. और टोटल मास कितना है? तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? ये हम डायरेक्ट भी निकालेंगे, फ्री बॉडी से भी निकाल के बताता हूं मैं आपको। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो एक्सीलरेशन आ गया, अब M1 का फ्री बॉडी बनाओ। फ्री बॉडी का मतलब क्या होता है बच्चों? बॉडी को वहां से फ्री कर लो। फ्री बॉडी का मतलब क्या है बच्चों? वहां से बॉडी को फ्री करके और उसके ऊपर एक एक फोर्स सिस्टमेटिक ढंग से लगाते जाओ, एक एक फोर्स उसके ऊपर सिस्टमेटिक ढंग से लगाते जाओ। जैसे F तो इधर लग ही रहा है इस पे, वो तो दिखाओगे इसे ही आप, दिखाओगे नहीं दिखाओगे? वेट किधर दिखा? डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन ओके। अब देखो हालांकि ये भी इसके ऊपर कांटेक्ट में है कि नहीं है, यहां पे कांटेक्ट में है कि नहीं है, तो इसको भी नॉर्मल रिएक्शन से लिखते हैं। लेकिन चूंकि अपन नॉर्मल रिएक्शन इसको लिखते हैं तो मैं इसको कांटेक्ट फोर्स लिखता हूं FC। अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो आप N लिख सकते हो, क्योंकि N उसको लिख चुके हैं ना, इसलिए क्या लिखते हैं इसको? कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि संपर्क में है ना, दोनों कांटेक्ट में है, है ना। तो ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। क्या होता है? अगर इसका इसमें लगा दिया तो जब उसका नंबर आएगा वो भी कहेगा तेने मेरे लगाया था तो मैं भी तेरे लगाऊंगा, एक साथ नहीं लगाएंगे। मतलब जब इसका फ्री बॉडी बनाओ तो वो लगाएगा और उसका फ्री बॉडी बनाओगे तो इसको लगाओ,
हाँ मजाक मत करो भाई, समझ में तो आ नहीं रहा, कुछ सफा चटोगे। एफ सी लगा दिया मैंने, है ना, ओके। ये किसने लगाया है? एम टू ने एम वन पर, एम टू ने, ओके। कोई दिक्कत है इसमें? और कोई फोर्स लगता है आपको? रस्सी तो है ही नहीं, टेंशन लगेगा नहीं, सरफेस के कांटेक्ट में था, सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करी, यहां भी कांटेक्ट में, यहां भी नॉर्मल रिएक्शन ही है वो, बट वी कैन है फ्रिक्शन तो अभी नेग्लेक्ट। हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल बोला तेरे यार, वेरी गुड। लेकिन अभी फ्रिक्शन को अपन ने क्या मान रखा है? जीरो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन भी लेंगे ना तो फिर बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले फ्रिक्शन पढ़ा दूं एक बार, इसके बाद ये फ्रिक्शन, उसके बाद फ्रिक्शन पढ़ेंगे। तो अभी बच्चों इसने बहुत सही बोला है, फ्रिक्शन जीरो है, स्मूथ सरफेस है। कैसी सरफेस है? स्मूथ, बिल्कुल सही बोल रहा है, फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर यहां पे फ्रिक्शन होता तो किधर लगाते अपन? इधर लगाते, क्योंकि मोशन किधर है? इधर, इधर लगता फ्रिक्शन। लेकिन अभी अपन फ्रिक्शन लगा दिया, लेकिन जीरो मान, ठीक, समझ में आ रही बात? ओके, और कोई फोर्स? तो अब देखो, अब आपका आ गया एफ बराबर एम ए वाला। तो एफ बराबर एम ए जो अपन लिख रहे थे ना, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, उसको अपन ने क्या लिखा था? डी बाई डी टी एम वी। तो मास अगर कांस्टेंट होता है ना बच्चों, क्या होता है? मास कांस्टेंट है, मास वेरिएबल नहीं है। पहले अपन ने वी डी एम बाई डी टी कब लगाएंगे? जब मास वेरिएबल होगा, जब मास, और अभी m कांस्टेंट है तो m को बाहर ले लेंगे। क्या ले लेंगे m को? तो क्या आएगा? dv बाई डी टी। dv बाई डी टी को क्या लिखोगे बताओ? एक्सीलरेशन, f इक्वल टू एम ए। ये कब लगाते हैं f इक्वल टू एम ए? जब मास कांस्टेंट होता है। मास हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, केवल दो चार रॉकेट प्रोपल्शन, कन्वेयर बेल्ट, आटा चक्की, जिसमें मास गिरता रहता है, गेहूं पिसता रहता है, है ना, कुछ केसेज में ही अपन मास को वेरिएबल मानते हैं, अदरवाइज मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। एफ इक्वल टू एम ए जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और एफ क्या होता है उसमें? नेट फोर्स। एफ क्या होता है? नेट फोर्स, ओके। अब अगर मान लो अपन मोशन इधर मान रहे हैं, एक्सीलरेशन, तो ये एफ नेट है, तो मुझे बताओ इधर नेट फोर्स कितना लगा? F माइनस एफ सी, क्या लगेगा? F माइनस एफ सी, बोलो लगेगा नहीं लगेगा? बराबर कितना लिख देंगे? M1 into A। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बहुत सिंपल है तो, ठीक है, ओके। अब ये M2 का फ्री बॉडी बना रहे हैं, किसका? M2 का फ्री बॉडी। वेट किधर दिखाओगे? अब आप, आपको कि सर इनका तो कुछ किया ही नहीं आपने, ये बैलेंस हो गए, क्योंकि मोशन वर्टिकली नहीं है, मोशन क्या है? ओनली हॉरिजॉन्टल। तो जो वर्टिकल फोर्सेस थे उन्होंने आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, मतलब एन वन बराबर क्या है? एम वन जी। एन वन बराबर क्या है? एम वन जी। समझ में आ रही है आपकी बात अच्छे से? बोलो। अब वेट किधर लगाओगे बताओ? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगाओगे बताओ? ऊपर लगाओगे नहीं लगाओगे बोलो? हैं, समझ में आ रहा है? अब क्या करें बताओ? मैंने क्या कहा था, ये कांटेक्ट क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्स है। तो इसने इसके ऊपर लगाया इधर बच्चों, तो ये इसके ऊपर इधर लगाया, इसने इसके ऊपर इधर लगाया, तो इसके ऊपर ये है ना। होता है जैसे ये मास M1 रखा ना आपने, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाई, तो अगर मान लो ये इसके ऊपर नीचे भी लगाता है, ये भी एक्शन रिएक्शन होता है। लेकिन मैं इसलिए नहीं बताता बच्चे को, क्योंकि दुखी हो जाएगा, वो ज्यादा पता है, कंफ्यूज हो जाएगा, गड़बड़ कर आएगा सब। N1 बराबर N1 प्लस MG लिखे आएगा इसलिए नहीं बताता मैं, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, और ये कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है? ये एक्शन रिएक्शन पे है, एक ने दूसरे पे लगाया तो दूसरा
है ना, समझ रहे बात को? अभी तो लगाना जरूरी है। इसने किस पे लगाया था? इस पे। तो ये क्या बोलेगा? सेम है ना, एफ से लगे। और कोई फोर्स? फ्रिक्शन है वो जीरो। अगर फ्रिक्शन होता तो किधर दिखाते? इधर दिखाते, यहां पे कितना लिखते हैं? जीरो। अगर होता तो हम कंसीडर करेंगे, होता तो हम, क्योंकि मोशन किधर है ब्लॉक की? इधर। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट। फ्रिक्शन सपोर्ट भी करता है मोशन को, वो फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको कैसे सपोर्ट करता है। किसी किसी मोशन को फ्रिक्शन सपोर्ट करता है। हम चलते फ्रिक्शन की वजह से, हम चलते किसकी वजह से? पीछे दबा रहा, फ्रिक्शन ही तो चला रहा मेरे को। अगर यहाँ पे स्मूथ सरफेस हो जाए तो मैं गिर जाऊंगा, स्लिप हो जाऊंगा कट से, क्योंकि इतना सफिशियंट फ्रिक्शन नहीं है जो मेरे को आगे बढ़ा पाए। चलो अभी तो फ्रिक्शन कितना है? जीरो। अब इक्वेशन क्या बनाओगे बताओ? एफ सी इक्वल टू, शाबाश। अब इन दोनों को जोड़ दें तो एफ सी कैंसिल, तो कितना आ गया? एक्सीलरेशन कितना आ गया? एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। आया नहीं आया बोलो? तो पहले भी तो ये आएगा, वो तो करना ही, लेकिन फ्री बॉडी तो सिखाना पड़ेगा ना मेरे भाई। वो तो मैं अभी खटाखट बता दूंगा कि इसको एक सेकंड में सवाल होंगे सारे। कितने सेकंड में? चाहे वो 100 लगा रखे हो आगे, कितने लगा रखे हो? 100 क्या, 1000 लगा दे पहले। कितने सेकंड में होएगा? एक सेकंड, एक सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अभी तो सिखाना है ना। एफ सी कितना लगाओगे बताओ? एम टू इंटू ए की जगह कितना लिखोगे? एम वन प्लस, दिस इज कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, समझ में आ गए? ऐसे बहुत सारों को सबका फ्री बॉडी बनाने पड़ेंगे, अगर तीन हैं तो, चार हैं तो। लेकिन फ्री बॉडी से नहीं करना आपको। आप देखो यहां पे कॉन्टेक्ट फोर्स यहां पे निकालना था आपको। फोर्स किस पे लग रहा था? फोर्स किस पे लग रहा था? फोर्स किस पे लग रहा था? एफ सी कितना आया? एक्सीलरेशन कैसे निकालते हो? टोटल फोर्स अपॉन। ओके, अब सीधे बैठ जाओ, ट्रिक समझो, ट्रिक समझो, ट्रिक सीधे बैठो एकदम। फोर्स कहां पे लग रहा है वापस बोलो? फोर्स किस पे लगा? कॉन्टेक्ट फोर्स कहां पे निकाला आपने? एम टू इंटू ए। एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अब मान लो जैसे तीन कर दिया उसने, ठीक है, तो एफ सी वन हो गया, ये एफ सी टू मान ले। हाँ, फोर्स किस पे लगा? एफ सी टू निकालना हो तो एम थ्री इंटू ए। एफ सी वन निकालना हो तो एम टू प्लस एम थ्री इंटू ए। इधर वालों को छोड़ते जाना जिस पे फोर्स लग रहा हो, उल्टा भी लगा सकता फोर्स, ध्यान रखना। फोर्स है, फोर्स किधर लग रहा है? इधर। तो एफ सी टू निकालोगे तो कैसे निकालोगे? एम थ्री ए, इनको गोली मारो, ठीक है। एफ सी वन निकालना हो तो एक्सीलरेशन निकालना हो तो टोटल फोर्स अपॉन, कोई दिक्कत है बताओ? है कोई दिक्कत है? जैसे सीट का ये क्वेश्चन नंबर करो देखो। चलो पेज नंबर निकालो 67 और क्वेश्चन नंबर पहला, डेली प्रैक्टिस शीट टू का, डेली प्रैक्टिस शीट टू का क्वेश्चन नंबर पहला निकालो। कितने मार्क्स लगाए हुए उसने डेली प्रैक्टिस शीट का दो का पहला सवाल? कितने मार्क्स लगाए हुए हैं बोलो? कितने लगा रखे हैं? एम 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 एम, पांच हो गए। फोर्स कहाँ लगा रखा है? पी पे। यहां पे क्या लिख रखा है?
ए बी सी डी ई एफ, एफ तक है क्या? ए कहाँ से स्टार्ट किया उसने? अच्छा ए से लिखा उसने, कहाँ से लिखा? ए बीच में लिखा, बी बीच में लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा, ओके। आप देखो एक्सेलरेशन बटाबट बताओ सब बच्चे। पी फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई 5 m, एक्सेलरेशन तो ये आ गया। बोलो बोलो बोलो, इधर से देखो बाद में लिख लेना, बहुत सारे सवाल हैं। एक्सेलरेशन ये आएगा नहीं आएगा? अगर इस पे कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना हो यहाँ पे तो इसको बोलेंगे डी, है ना? तो क्या लिखोगे? m इंटू ए, ए की जगह p बाई 5 m, तो कितना हो जाएगा? p बाई 5। यहाँ निकालना हो तो 2 p बाई 5, यहाँ निकालना हो तो, यहाँ निकालना हो तो, समझ नहीं आ रहा आपको? लेकिन फोर्स किधर लग रहा है? उल्टा लगा दे तो उल्टा, इधर से लेना फिर, उधर से लगा दे तो फिर इधर से लेना, समझ गया ना? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे बताओ? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। फोर्स किधर लग रहा है? इधर। फोर्स किधर लग रहा है? इधर। फोर्स किधर लग रहा है? इधर। कितना है अभी? m इंटू ए, ए कितना है? p बाई 5 m, m m का अंश क्या? p बाई 5। अब कितना लगाओगे? 2 m बाई ए, 2 m इंटू ए, 3 m इंटू ए, 4 m इंटू, समझ नहीं आ रहा बात? हाँ, अगर आप देखा जाए तो व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस?